So more than a week ago Asus sent me its Asus Tuf FX505 लैपटॉप फॉर रिव्यू पर्पस और इसको करीबन मैं एक वीक से ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ और मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो में मेरे चैनल पर डाल दिया है। तो आप कार्ट में मैंने दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसका अनबॉक्सिंग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूंगा और इसकी बाइंग लिंक और मैं इसका ऑफिशियल पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन पूरी डिटेल में चेक करनी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने बोला था कि मैं इसका रिव्यू वीडियो काफ़ी जल्दी लाऊंगा, तो ये रहा इसका रिव्यू वीडियो। तो यार इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस लैपटॉप के बारे में। तो इस लैपटॉप की बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो आपको इसमें i7 का प्रोसेसर मिल जाता है और 16 GB ऑफ DDR4 आपको इसमें रैम देखने को मिलती है। 6 GB ऑफ Nvidia ग्राफिक कार्ड मिलता है जो कि 1060 वर्जन आपको इसमें मिल जाता है। इसमें आपको 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क और 256 GB ऑफ SSD मिलती है जिसमें आपको प्री इंस्टॉल विंडोज़ 10 देखने को मिलता है। तो मैंने इस लैपटॉप को कई सारे चीज़ों में टेस्ट किया, गेमिंग में, एडिटिंग में, जो कि वर्क फ्लो मैंने कई अच्छे से टेस्ट किया है। इसको मैंने ऐसे नहीं इसका रिव्यू कर रहा, मैंने इसको कई अच्छे से टेस्ट किया है। इसकी गेम्स में कितने फ्रेम्स आए हैं ये सब मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया है। तो मैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपको इसमें बात करता हूँ। तो मैंने इसमें कई सारे गेम्स टेस्ट करे हैं जैसे कि PUBG PC हो गया और Apex का लीजेंड हो गया और Battlefield 5, ऐसे मैंने कई सारे गेम टेस्ट करे। साथ ही साथ PUBG मोबाइल भी मैंने खेला लेकिन वो उसके बारे में आपको बताऊंगा नहीं। तो इसके प्रोज की बात कर ले तो भाई सबसे पहला जो प्रोज है वो उसका गेमिंग परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी पसंद आया है। करीबन मुझे Apex लीजेंड में चार्जिंग लगाते वक्त मुझे 120 फ्रेम्स के हर बार पार हिट मेरे को फ्रेम्स देखने को मिली है। हालांकि जो इसके पुराने वर्जन थे उसमें आपको थ्रॉटलिंग इशू देखने को थोड़ा मिलता है लेकिन इस वाले लैपटॉप में इनका बायोस अपडेटेड है तो हालांकि ये इसमें हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये थी गेम्स की बात। तो मैं आपको कुछ गेम्स दिखा देता हूँ और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुझे कैसे स्मूथली मेरे को गेम्स देखने को मिले हैं क्योंकि इसमें 144 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है तो मुझे जरा से भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिली थी। तो ये रहा उसका कुछ गेम प्ले। Reload. तो भाई जो सेकंड प्रोज आता है वो है इसका एडिटिंग वर्क फ्लो। तो मैं जब भी अपना एडिटिंग करता हूँ तो मैं काफ़ी हाई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। मैं जब भी एडिट करता हूँ तो प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और DaVinci Resolve 15 में यूज़ करता हूँ। मेनली मैं आजकल DaVinci Resolve 15 यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए। तो मैंने इनको इस लैपटॉप में टेस्ट करा है और मुझे जरा सा भी जिटरनेस तो नहीं बोल सकते, परफेक्ट वर्ड नहीं रहेगा, लेकिन मुझे इसमें जरा सा भी लैग देखने को नहीं मिला इसके एडिटिंग सेक्शन में। तो मैंने इसमें कई सारे अच्छे से कलर ग्रेडिंग करने की ट्राई करी और इसमें कई सारे हैवी सॉफ्टवेयर्स मैंने एडिटिंग के चलाए हैं और मुझे ज़रा सा भी लैग देखने को नहीं मिला जो कि अदर लैपटॉप में कभी कभी, क्योंकि प्रीमियर प्रो क्रैश कर जाता है और नॉट रिस्पॉन्डिंग होता है, लेकिन मुझे इस लैपटॉप में नॉट रिस्पॉन्डिंग का जरा सा भी एरर देखने को नहीं मिला। तो गाइस जो थर्ड प्रो आता है वो है इसका RGB कीबोर्ड। ऑब्वियसली Asus ये लाया है इसके RGB कीबोर्ड जो कि मैं काफ़ी टाइम तक वेट कर रहा था इसके लिए। और जो इसके RGB कीबोर्ड है आप उसके कलर भी काफ़ी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये गेमिंग में आपको काफ़ी अच्छा फील देते हैं। तो भाई जो इसका नेक्स्ट प्रो है वो है इसकी हाइपर कूल टेक्नोलॉजी। इसमें आपको कई सारे जगह से एग्जॉस्ट मिल जाता है जिससे अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपकी जो लैपटॉप है काफ़ी कूल रहता है और आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव मिलती है ताकि आपका लैपटॉप हीट ना हो और काफ़ी कूल रहे और आप गेमिंग करते जाएँ और करते जाएँ। तो गाइज़ ये थे इसके प्रोज। तो अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ कॉन्स के बारे में, जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी है और क्यों आपको ये लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़ जो फर्स्ट कॉन मुझे इसका लगा है वो इसकी बैटरी लाइफ। मैंने इसको गेम टेस्ट करे हैं और मेरे को इसका बैटरी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, करीबन मेरे को गेमिंग के वक्त मेरे को 1 आवर समथिंग तक का मेरे को इसमें बैटरी लाइफ देखने को मिली। हालांकि लैपटॉप है, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने गेमिंग के वक्त मेरे को समथिंग इतने तक का बैटरी लाइफ देखने को मिली। एडिटिंग टाइम भी मेरे को करीबन इतने तक थोड़ा ज़्यादा मिला है बस उससे गेमिंग से। और जब मैं लेकिन इसकी जो बैटरी चार्जिंग की बात करता हूँ उसमें आपको फास्ट चार्ज कर देता है ये लैपटॉप। करीबन थिंक अराउंड 2 आवर्स के अराउंड समथिंग आपको ये फुल लैपटॉप चार्ज कर देता है 0 से 100 तक। तो भाई जो सेकंड कॉन मुझे लगा है वो इसका रोटेशन डिग्री एंगल। हालांकि अगर आप गेमिंग करते हैं और अगर आप क्योंकि लैपटॉप है, आप पोर्टेबिलिटी के हिसाब से गेमिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है करीबन लैपी को अपने लैप पे रख के आप गेम खेल रहे हो बिस्तर पे बैठ के, तो इसका रोटेशन डिग्री एंगल इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसको ज़्यादा रोटेट करके अपने लैप पे रख के आप थोड़ा इन्हें समझ सकते होगे कि आपको वो आराम वाली फील आए। तो इसका अगर थोड़े डिग्री रोटेशन डिग्री एंगल ज़्यादा होता तो काफ़ी अच्छी बात थी। तो भाई जो थर्ड कॉन आता है वो है कीबोर्ड का पैनल साइड। तो मैंने इसको कहीं टेस्ट कर रहा था और मैं टाइप कर रहा था इस कीबोर्ड में, हालांकि मेरा डेली ड्राइवर बना के इसको यूज़ कर रहा था, तो मुझे एक टाइपिंग के वक्त देखने को इसमें मिला है कि जो मैं जब भी इसको प्रेस करता हूँ तो कीबोर्ड के वहाँ पर जो प्लास्टिक का पैनल है वो थोड़ा सा अंदर साइड दबता है, जो कि इसका एक कॉन है, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी का इशू है। हालांकि काफ़ी बिल्कुल तगड़ा गेमिंग लैपटॉप है, बिल्कुल हार्ड गेमिंग लैपटॉप है, उसकी वेट भी थिकनेस और वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कीबोर्ड के पैनल के साइड में अगर बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी गड़बड़ है। तो गाइस ये था मेरा कुछ फाइनल वर्डिक Asus Tuf FX505 के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं, और क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए। मैं अगर अपनी राय दूं तो अगर आप गेमिंग के लिए जाते हैं, तो अगर आप कैबिनेट ये सब लेना चाहें या फिर पीसी बिल्ड करना चाहें तो आप उसके कंफर्म उस पर जाइए, इस लैपटॉप पर बिल्कुल भी मत जाइए। लेकिन अगर पोर्टेबिलिटी के साथ गेमिंग और एडिटिंग करना चाहते हैं और वर्क फ्लो अपना इंप्रूव करना चाहते हैं ऑफिस का, एडिटिंग का या फिर किसी चीज़ का, तो ऑब्वियसली आप ये गेमिंग लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन आप इससे इसकी बैटरी लाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार ये बिल्कुल ख़राब लैपटॉप है, लेकिन मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे देखने को मिली और मुझे ज़्यादा सा भी लैग देखने को इस गेम्स में नहीं मिला है। लेकिन अगर आप एडिटिंग फ्लो की बात करें तो वो काफ़ी बटरी स्मूथ इसमें मेरे को मिले हैं, तो आप इसमें काफ़ी आसानी से अगर आप एडिटिंग के लिए ले रहे हैं तो ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आता है तो यार जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे। और एक और बात कहना चाहूँगा, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जितना भी आपने मेरे को पुरानी वीडियोस में मुझे सपोर्ट करा है उसके लिए, और बेल का आइकन आप दबा देना क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है यार। तो लास्ट में कुछ कहूँगा, पीस।